A very good morning, dear my all children. Today we are going to discuss about power sharing. But students, before coming to this power sharing, let us understand, let us feel privileged, let us feel blessed that we are in democratic country. As we are in democratic country, we are talking about power sharing. अगर ये एक नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री होता, अगर ये एक मोनार्कियल होता, राजतंत्र होता, अगर हमारा देश एक तानाशाह के अंडर होता, तो शायद हम पावर शेयरिंग के बारे में बात ही नहीं कर रहे होते. जस्ट बिकॉज वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, वी आर टॉकिंग अबाउट पावर शेयरिंग. इन दिस एंटायर चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट पावर शेयरिंग अरेंजमेंट ऑफ. We will start from Belgium, then we will see a case study of Sri Lanka, and then we will be comparing that situation with India, and we will see that how this power sharing arrangement is being practiced in India with different organ of the government, with different level of the government, and different way we will discuss. So now let's start. Let's see that in this chapter two case studies has been given. One is about Sri Lanka and another one is about Belgium. And that two case study you could understand and you could realize ki dono mein kitna differences hai. Similarities bhi hai, differences bhi hai. Aur ek jagah power sharing hota hai, power ko baata jata hai, aur ek jagah power ko baata nahi jata hai. और जहां पे पावर बट नहीं आया, वेयर पावर इज नॉट बीन शेयर्ड, देयर यू कुड सी रायट्स, देयर यू कुड सी वॉर. बट दोस कंट्री इन विच पावर इज बीन शेयर्ड, यू कुड फील हार्मनी. वहां पे शांति है जहां पे पावर शेयर हो रहा है. तो लेट्स स्टार्ट विद द केस स्टडी ऑफ बेल्जियम एंड देन आफ्टर दिस वी विल सी अबाउट श्रीलंका. सी स्टूडेंट्स, इट इज योर chapter 1 only, power sharing, and in this we will discuss about first Belgium. Belgium is a country, it has border with Germany, Luxembourg, France and Netherlands. Belgium has its boundary with Germany, Luxembourg, Netherlands and France. इसको कंपेयर किया गया है हरियाणा के साथ, इंडिया के हरियाणा के साथ इसको कंपेयर किया गया है. तो वी विल कम टू नो अबाउट कि एरिया वाइज इट इज स्मॉलर देन हरियाणा. मतलब यूरोप का एक कंट्री है, लेकिन इसका जो ज्योग्राफिकल एरिया तुम देखोगे तो यू कुड सी दैट इट इज इवन स्मॉलर देन द स्टेट ऑफ इंडिया हरियाणा. अकॉर्डिंग टू इट्स पॉपुलेशन, जितना हरियाणा का पॉपुलेशन है उसका हाफ पॉपुलेशन बेल्जियम में है. अब यहां पे इतनी कंपोजिशन देखोगे, यहां पे डिफरेंसेस देखोगे पीपल का क्या है कैसे है. तो फर्स्ट देखो 59% लोग, 59% पीपल डच स्पीकर्स है. 59% पीपल ऑफ बेल्जियम इज डच स्पीकर, दे आर मेजोरिटी. ऑफकोर्स 59% इज मेजोरिटी. 40% they are French speaker. 40% they are French speaker. They are in minority. And one remaining 1% that we will not be counting in this. 1% they are German speaker. Again you see, 59% is Dutch speaker. 40% is French speaker. Remaining 1% people speaks German. Now this you have to keep in your mind that French speakers and Dutch speakers, they live in different parts of the country of Belgium. Now you see, French speaker, they lives in Wallonia region. Okay, they lives in Wallonia regions. French speakers log Wallonia regions mein rehte the, Dutch speakers Flemish region mein rehte the. Wallonia jo kshetra hai wahan pe rehta tha फ्रेंच स्पीकर्स, एंड जो डच स्पीकर्स थे वो फ्लेमिश रीजन में रहते थे. स्टूडेंट हाउ टू रिमेम्बर दिस, जस्ट याद कर लेना, फ्रेंच एंड फ्लेमिश रीजन में डच स्पीकर है. एफ एंड एफ दे विल नॉट बी इंटरमिंगलिंग विद ईच अदर. वेलोनिया फ्रेंच स्पीकर, फ्लेमिश डच स्पीकर, ऐसे याद
बात करना है, और जो रिमेनिंग 1% थे, ये 1% कहीं पे भी रहते थे, मिथ्स ऑफ। नाउ स्टूडेंट्स सी, द कैपिटल ऑफ बेल्जियम इज ब्रसेल। द कैपिटल ऑफ बेल्जियम इज ब्रसेल। देयर इज अनदर सीन गोइंग ऑन। यू कुड सी दैट द पॉपुलेशन दैट वॉज इन मेजॉरिटी इन बेल्जियम, इट वॉज इन माइनॉरिटी इन कैपिटल ब्रसेल। मतलब पूरे कंट्री में जो बहुसंख्यक लोग थे वो कैपिटल में अल्पसंख्यक हो गए। द वन हु वॉज हैविंग मेजॉरिटी इन द कंट्री, दे आर इन माइनॉरिटीज इन द कैपिटल, एंड दैट क्रिएटेड अ ह्यूज प्रॉब्लम, बिकॉज द वन हु वॉज एंजॉइंग, द वन हु वॉज वेरी पावरफुल इन द वे इन द पॉपुलेशन, द वन हुज पॉपुलेशन वॉज वेरी मच, they are having less power. Now see, 80% in Brussels, 80% of the people was of French speaker. And this French speaker, you remember, it was in minority in Belgium. But in Brussels, it is in majority. Similarly, 20% were Dutch speaker. You could remember that these Dutch speakers were in majority in Belgium, but unfortunately they were in minorities in Brussels. Now French speakers, they were very powerful. They got all the opportunities and all the developmental programs were for them. Dutch speakers itne powerful nahi the, just because of their number very less in capital. Inka itna power nahi tha jitna minorities माइनॉरिटीज फ्रेंच स्पीकर्स का था। वैसे ही जब ये कंडीशन आएगा तो आप देखो कि wherever this condition comes कि किसी को ज्यादा पावर मिल रहा है, किसी को कम मिल रहा है, तो ऑब्वियसली एक टसल आ जाता है, एक कॉन्फ्लिक्टिंग कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। सिमिलरली हुआ ऐसा ही बेल्जियम में कि कहीं ना कहीं ये जो फ्रेंच स्पीकर्स को इतना पावर मिल रहा था उसके कारण एक बहुत ही ज्यादा गुस्सा गए डच स्पीकर्स। As we have seen the condition of Belgium, now we will see about the condition of another country, that is Sri Lanka. See, you could see the ethnic variation of Sri Lanka as well. Sri Lanka, pura 2 crore population tha wahan. Is 2 crore population ka compare kiya gaya agar Haryana se, to utna hi hai, jitna Haryana ka population hai. सिन्हाला में सबसे श्रीलंका में सबसे पहले सिन्हाला स्पीकर्स थे, सिन्हाला बोलने वाले लोग थे, तमिल बोलने वाले लोग थे और क्रिश्चियन थे। सिन्हाला स्पीकर्स का जो नंबर था दैट इज 74%। सिन्हाला स्पीकर्स मेजॉरिटी थे, सिन्हाला स्पीकर्स मेजॉरिटी थे 74%, और इनका रिलीजन था बुद्धिस्ट। सिन्हाला स्पीकर्स 74% रिलीजन बुद्धिस्ट। Tamil speakers 18%. Tamil speakers they were 18% and their religion was either Hindu or Muslim. Remaining was Christian, and these Christian were both Tamil as well as Sinhala speakers. Again you see Sinhala speakers is of 74% population. Their religion was Buddhist. They were Buddhist. Their religion was Buddhism. Tamil speakers, their religion was either Hindu or Muslim. They were either Hindu or Muslim. Their population was 18%. Similarly, remaining 7% was Christians. They were both Tamil and Sinhala speakers. Further, you could see Tamil speakers were being divided in two categories, Indian Tamils and Sri Lankan Tamils. Ab Indian Tamils kaun the, jinke ancestors colonial period mein श्रीलंका गए थे, एंड देन दे रिमेन्ड देयर ओनली, एंड दे आर नोन एज श्रीलंका इंडियन तमिल। इंडिया से जिसके एंसेस्टर्स कॉलोनियल पीरियड में एज अ स्लेव श्रीलंका गए थे, एंड दे रिमेन्ड देयर ओनली, दे आर नोन एज श्रीलंकन इंडियन तमिल्स। एंड श्रीलंकन तमिल वो है जो ओरिजिनल हैबिटेंट्स हैं कहां के, श्रीलंका के। तमिल स्पीकर्स फर्दर टू पार्ट्स में बटा हुआ था, इंडियन तमिल श्रीलंकन तमिल। इंडियन तमिल्स वो थे जो प्योरली अगर देखो तो इंडिया से जिनके फोर फादर जिनके एंसेस्टर्स कॉलोनियल पीरियड के समय एज अ माइग्रेंट वर्कर गए थे श्रीलंका और वहीं पे रह गए,
और उनका जनरेशन जो आगे आया, दे आर नोन एज इंडियन तमिल्स एंड श्रीलंकन तमिल्स, वर द हुज फॉरफादर बिलोंगिंग टू श्रीलंका ओनली. दैट्स इट. नाउ यू सी, लेट्स रिकैप्चर इट. टुडे वी सीन अबाउट द एथनिक कंपोजिशन ऑफ टू कंट्रीज, बेल्जियम एंड श्रीलंका. इन बोथ द कंट्रीज वी सीन आर ह्यूज डिफरेंसेस, differences in the sense of ethnic variation, population. Somewhere in Belgium you could see Flemish, they were French speaker, Dutch speaker and German speaker. Then you see in Sri Lanka they were Sinhala speakers, then Tamil speakers and remaining Christians. In both the countries you see a huge differences were there. Differences in population, ethnic variation were there. बट आगे हम लोगों को पढ़ना है इन बोथ द मॉडल्स. इन वन कंट्री वी विल सी दैट अ कॉन्फ्लिक्ट, अ वॉर टुक प्लेस एंड इन अनदर कंट्री ड्यू टू दिस पावर शेयरिंग नो वॉर टुक प्लेस एंड हार्मनी एंड पीस वॉज देयर. वी विल डिस्कस एंटायरली नाउ दिस वे. एंड स्टूडेंट्स नोट्स टिल नाउ वट एवर आई हैव टॉट, the notes of that you will be getting in the description box and you will be getting the link of that in the PDF form. Kindly go through it. It will be very helpful for you all. Thank you so much.